बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कोडिंग क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने दो तीन रीजंस अलग से निकाल के रखे, तो मैं वो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आपके साथ इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम होता है, ये आपको पता भी नहीं चलता। ये स्कैम आपके कॉलेज के प्रोफेसर थ्रू या तो फिर आपके दोस्तों के द्वारा होता है। तो ये स्कैम कुछ इस प्रकार काम करता है कि वो आपको एक अलग से सपनों की दुनिया में लेके जाएंगे, और उस सपनों की दुनिया में वो लोग आपको बताएंगे कि भाई आईआईटी के बच्चे, बीच पिलाने के बच्चे ने 40 लाख का पैकेज उठाया, 50 लाख का पैकेज उठाया, और फिर आप उसकी बातों में आ जाओगे और फिर आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। और प्रोफेसर या दोस्त जो भी स्कैम कर रहा है उसने अपने बाजू में एक चने का जार ऐसा रेडी ही रखा है जिस पर आप चढ़ ही जाओगे। तो ऐसे आपने डिसाइड कर दिया कि भाई आप तो प्लेसमेंट आने वाली है, दो तीन महीने पहले प्लेसमेंट के, दो तीन महीने पहले एकदम जम के तन मन धन से कोडिंग करनी है। तो फिर आप कोडिंग करना चालू कर दोगे, खाने में कोडिंग, पीने में कोडिंग, सब में कोडिंग। आप समझ जाओ किस किस में कोडिंग आ सकती है, सब में आप कोडिंग करोगे और फिर मस्त ऐसे हाई पैकेज ऐसे उठा लोगे मस्त से। लेकिन भाई आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका है हाई पैकेजेस में, वो डाइवर्ट होना नहीं चाहिए। आपका ध्यान ऐसे एकदम मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको कोडिंग ही करनी है, आपको पैशन है कोडिंग करने में, तो ही आप कोडिंग कर सकते हो। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पे आप इन्फ्लुएंस हो गए कि भाई मेरे को पैकेज हाई पैकेज उठाना है, तो आप कोडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप पैसे के पीछे भागने लगे। तो भाई ये कुछ काम करने वाला नहीं है, ये सब बेतु की बातें हैं। तो आप वो पैकेजेस और वो सब जो भी बताए वो इग्नोर करो और ध्यान सिर्फ कोडिंग पे रखो। हर बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दूसरे को देख देख कर कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद को अच्छा लगे तो कोडिंग करो, दूसरों को देख कर कोडिंग करो, वो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो उससे अच्छा ऐसे ही अफवाह तो नहीं बोल सकते लेकिन ऐसी बातों से दूर रहो और अपना फोकस सिर्फ कोडिंग पे ही रखो। बाकी ऐसे बातों में ध्यान गया तो फिर कोडिंग नहीं हो सकती। तो भाई दूसरा रीज़न ये है कि एवरेज स्टूडेंट ये समझ के बैठते हैं कि भाई कोडिंग बहुत ईजी है। तो भाई मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं 4.5 से 5 साल से कोडिंग कर रहा हूँ, मेरी ये उंगलियाँ घिस चुकी है, ठीक है। फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि कोडिंग बहुत ही ईजी है। तो आपको अगर आपको कोडिंग ईजी लगती हो तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आपको 15 से 20 दिन कोडिंग करनी है डेली 3 to 4 आवर्स, और उसमें आपको सिर्फ पढ़ना है और प्रोग्रामिंग करनी है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के रिलेटेड। वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आप 15 से 20 दिन करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कोडिंग कितनी ईजी है। जब आप फेस करोगे बग्स एंड एरर्स का, आप ये सोचो कि ये बग्स एंड एरर आप सॉल्व कर सकते हो, अगर हाँ तो आप कितना टाइम लेते हो उसके लिए। और यही सेम एरर एंड बग्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 8 से 10 घंटे के लिए जब आप जॉब स्टार्ट करोगे तब। और वहाँ पर रियल टाइम में बग्स आएंगे एंड रियल टाइम में आपको बग्स सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप ये देख लो कि आपको आपसे एक सिंगल बग भी सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर आपसे नहीं हुआ तो उस टाइम पे आपका मोटिवेशन ऐसे ज़मीन फाड़ के नीचे चला जाएगा, और फिर उस टाइम पे आप कोडिंग छोड़ दोगे और आप फील्ड चेंज कर दोगे। आप अगर चले जाओगे रिक्रूटर में या एचआर में या कहीं पर भी, लेकिन आप फील्ड छोड़ दोगे। तो ये सेकंड रीज़न है कि भाई कोडिंग बिल्कुल ईजी नहीं है, ईजी समझोगे तो कोडिंग होगा ही नहीं। तो हमारा थर्ड रीज़न ये है कि कोई कोई स्टूडेंट्स अपने फन के लिए कोडिंग सीखता है। तो भाई आप फन के लिए कोडिंग सीख रहे हो तो भाई कोडिंग को भूल जाओ, आपसे ना हो पाएगा क्योंकि कोडिंग इस एरिया में मेरा एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है, तो उस वजह से मैं आउट। और सीधा कोडिंग को मना कर दो, और अगर आप एकदम सीरियस हो कोडिंग को लेकर तो भाई वर्क हार्ड करते रहो, प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, आप कोडिंग इजीली सीख जाओगे। तो बस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। एंड हाँ, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल लिंक्स अवेलेबल है एंड डिस्कॉर्ड सर्वर के भी लिंक्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर मुझे पूछ सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में, टाटा बाय बाय।